हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कारक किसे कहते हैं और कारक की परिभाषा क्या होती है। कारक अर्थात व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था यानी स्टेज जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता हो यानी रिलेशन दिखाई देता हो उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध जिस रूप से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक यह बताता है कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्या काम है। हमें उम्मीद है कि हमारे चैनल द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। ऐसी ही और यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।